हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैजिक किचन विद फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी। आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बना के खाएंगे। इतनी डिलीशियस एंड यम्मी सब्जी बनती है कि आपके घर में सभी लोग मांग मांग के खाएंगे। चलो चलते हैं। मैंने लिया हुआ है कटहल, कटहल है करीब 400 ग्राम। मैंने इसको कट करके धो करके रख लिया हुआ है। लिए हुए 3 टमाटर, 2 प्याज, 8 से 10 लहसुन की कली और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 हरी मिर्ची। मैं इन सभी को ग्राइंड कर लेती हूँ। सभी को ग्राइंड कर लिया है। अब मैं चलती हूँ कढ़ाई की तरफ। मैंने डाला हुआ है कढ़ाई में ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल लिया हुआ है। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मैं कटहल को ऐड करूंगी और कटहल को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हम इसको लगातार चलाते हुए कटहल को अच्छे से फ्राई करेंगे। हम इसको फ्राई करने में हमें करीब 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फैमिली मेंबर्स में भी शेयर करें। कटहल को हम लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। हम आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्राई हुआ है। कटहल फ्राई हो गया, हम इसको निकाल लेते हैं। मैंने कटहल को निकाल लिया है। अब जो बचा हुआ ऑयल है कढ़ाई में, मैं उसमें डालूंगी जीरा, मेथी दाना, इसको अच्छे से हम चटकने देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको चलाते हुए भून लेंगे। लगातार चलाते हुए भूने। इसमें डालेंगे हरी मिर्ची जो मैंने कट करके रखी हुई थी, इसको भी भून लेते हैं। लगातार चलाते रहें। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज का जो बनाया हुआ पेस्ट है, इसमें ऐड करेंगे। प्याज को भी हम भून लेंगे। लगातार चलाते हुए भूने। फ्लेम को अब लो टू मीडियम रखें। इसी स्टेज पर हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। तो हमारे जो प्याज हैं वो जल्दी भुन जाएंगे। कलर चेंज हो गया हमारे प्याज का। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। ऐड करेंगे हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर। इन सभी को हम भून लेंगे। हम इसमें डालेंगे करीब 1 चम्मच पानी ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अब मसालों को हम भून लेंगे चलाते हुए। मसाले हमारे भुन गए हैं, मसाले ने ऑयल रिलीज कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का बनाया हुआ पेस्ट। टमाटर को भी हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। आप मसाले को लगातार चलाते रहें। मसालों को अच्छे से भून लेंगे।
आप यदि एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बना के खाएंगे, ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। टमाटर हमारे भुन गए, हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ कटहल। कटहल को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। हम इसको अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसी स्टेज पर ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमारा कटहल ऑलमोस्ट पक गया है, इसमें थोड़ा सा ही पानी हम ऐड करेंगे और हम इसको अच्छे से अब पका लेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से और उसके बाद हम इसको ढक देंगे। मैंने इस कटोरी से थोड़ा सा पानी डाला हुआ है, ज्यादा नहीं डाला हुआ है। मैं कटहल को ढक देती हूँ। हम इसको चेक करेंगे 3 मिनट बाद। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी देखने में टेम्पटिंग लग रही है सब्जी हमारी। हम इसको एक बार से चला देंगे। आप बीच बीच में सब्जी को चलाते रहें, ढक देते हैं, फिर से चेक करेंगे हम सब्जी को। सब्जी हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है। कटहल को हम चेक करेंगे, कटहल हमारा गल गया है, अच्छा गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, कटी हुई धनिया पत्ती ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको निकालेंगे सर्विंग बोल में। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी हुई है। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जरूर ट्राई करें सब्जी को। थैंक यू दोस्तों।